गांव से 3 किलोमीटर दूर पर गंगा जी का तट है, सब गांव के आदमी वहीं जाएंगे। वहाँ किसे? वहाँ जाएंगे अपना आत्मसमर्पण करने के लिए, माने एकदम से उब गए हैं, मर जाने गए हो। यदि कोई गर्भवती महिला रहे तो उसका रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, वो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाती, कई महिलाएं मर गई, जान पाएंगी वो तो जो है कि एसी में टहल रही है, उन्हें कड़क इस कड़क धूप की उन्हें क्या मालूम है कि कड़क धूप कैसा होता है। कड़क धूप तो जो गरीब महिला है वो जानेगी ना, रास्ता है आप चल के देखिए, जैसे एमपी का, इससे अच्छा एमपी का पहाड़ है, तो इस गांव के आदमी क्या करेंगे जी करके, इसीलिए चले यहां से 3 किलोमीटर दूर है गंगा में मर जाए और सांसद विधायक को भी लेकर के मर जाए। अच्छा, उनको साथ में लेके डूबे? अरे भाई जब आए तब लेकर के डूब जाए सब। आप ही बता दीजिए कि या तो अनुप्रिया पटेल बता दें कि वो 5 साल से सांसद या 10 साल से है यहाँ पे, 5 गांव मटियारी मझवा में भी ना पूछे, इसलिए बीजेपी के विधायक तो निकल लिए भदोही। हाँ वो तो ये भी अभी कोई पद पा जाएंगे तो अनुप्रिया चली जाएगी यहाँ से। तो क्या चाहते हैं वो वापस आ जाएगी रहे वहाँ? हम लोग बार बार क्या 6 महीना विनोद बिंद यहाँ से विधायक थे, वो चले गए वहाँ पे सांसद हो गए, अब चले हम लोग फिर 6 महीना बाद वोटिंग करें। लेकिन अभी जीते नहीं है ना? अरे जीते, अगर जीत गए तो हम लोग का विकास क्या होगा, 6 महीना रुक जाएगा साथ में। हॉस्पिटल वगैरह है वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, कछवा बाजार हम लोग का पड़ता है, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है जी। आसपास कुछ नहीं? कुछ नहीं है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो प्राइवेट में अपना जाकर इलाज करवाएं, और जिसको पैसा ना वो मर जाए। लोकसभा चुनाव 2024 जनपद मिर्जापुर, विधानसभा मझवा, ग्राम सभा मटियारी। लोगों का कहना है कि जो भी नेता हैं वो जीत तो जाते हैं लेकिन उनके दर्शन 5 साल दुर्लभ होते हैं। अब जब नेताजी यहां आएंगे नहीं तो समस्याएं कैसे जानेंगे? दूसरा एक और तरीका होता है जिससे नेताजी को समस्याओं का ज्ञान हो सकता है या समस्याओं के बारे में उन्हें पता चल सकता है, जनता समस्या लेकर के जाए। अब जनता का कहना है कि समस्या लेकर के जाइए, चप्पल घिस जाती है, ये ऑफ द कैमरा लोग कह रहे थे। अब ऑन द कैमरा क्या कहते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, नेताओं से किस तरह के सवाल हैं जनता के, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर यहाँ भाजपा की सरकार और अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल से सांसद हैं, लेकिन यहाँ न तो कोई भाजपा न कोई कितनी बार आई है अभी तक? एक दो बार आई है, वो भी अपने केवल काम से आई थी यहाँ, कुछ न काम के सिलसिले से आई थी, काम न कुछ मतलब किसी बस केवल अपना अपना प्रचार करने आती है बस, इसीलिए यहाँ न बोलती है कि हो जाएगा काम, सड़क बन जाएगा, हर घर नल जल पहुँच जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को मटियारी के खासकर गाँव लोगों को, केवल सांसद नहीं है, केंद्रीय मंत्री है, वो मंत्री है केवल अपने लिए, बस केवल मंत्री है, देश यहाँ की जनता के लिए मंत्री एकदम नहीं है, अगर होती तो बनाती ना। नहीं बना? नहीं, वो केवल अपने लिए केवल मंत्री है, केवल अपना बस मंत्री का टैग लगाए हैं अपने ऊपर। अभी पढ़ाई कर रहे हैं छोड़ दिए? हम पढ़ाई कर रहे हैं, बीटीसी के छात्र हैं। अच्छा, बीटीसी छात्र हैं। अभी भी सरकार ने टीचर की वैकेंसी और निकाली भी थी, उसमें रिजर्वेशन खा गई थी ओबीसी लोगों का 2018 में। मिर्जापुर में रोजगार ठीक ठाक है? मिर्जापुर में रोजगार होता तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं। कालीन तो बताते हैं कि कालीन बड़ा रोजगार है। कालीन है यहाँ, कालीन है यहाँ, अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे के, चंदा दे के अपने अपने लोगों को रख दे रहे हैं कुछ काम के लिए, कुछ नहीं। कोई नया रोजगार बताइए मिर्जापुर में? मिर्जापुर में एक भी रोजगार नहीं है, नया रोजगार लगा ही नहीं 10 साल में। नहीं, ले लीजिए 10 साल में कोई रोजगार नहीं। अच्छा, युवा तो रोजगार की बात करेगा? हाँ युवा तो करेगा ही। क्या कह रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे आप ही बता दीजिए कि या तो अनुप्रिया पटेल बता दें कि वो 5 साल से सांसद या 10 साल से हैं यहाँ पे, 5 गांव मटियारी मझवा में गिना दें तो किए हैं यहाँ पे, मटियारी में कोई काम नहीं किए हैं, चाहे विधायक हो बीजेपी के चाहे सांसद हो, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। इन लोग के द्वारा भूखनन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप लोग सवाल न पूछें, इसलिए बीजेपी के विधायक तो निकल लिए भदोही। हाँ वो तो ये भी अभी कोई पद पा जाएंगे तो अनुप्रिया चली जाएगी यहाँ से। तो क्या चाहते हैं वो वापस आ जाएगी रहे वहाँ? हम लोग बार बार क्या 6 महीना वोट देंगे, अब जैसे विनोद बिंद यहाँ से विधायक थे वो चले गए वहाँ पे सांसद हो गए, अब चले हम लोग फिर 6 महीना बाद वोटिंग करें। लेकिन अभी जीते नहीं है ना? अरे जीते, अगर जीत गए तो हम लोग का विकास क्या होगा, 6 महीना रुक जाएगा 7 महीना खाली वोटिंग करते रहे, बस वोटिंग करते रहे, काम कुछ नहीं होगा। मरहाजन से यहाँ मटियारी तक रास्ता जो है
दो फीट तीन फुट एकदम धस चुका है। 10 साल माननीय मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो गया है। एक बार भी ये रोड पहले बोले थे कि हम ये रोड मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, यहाँ पे गड्ढा भी मुक्त नहीं हुआ अभी तक 10 साल में। एक बार गिट्टी भी नहीं गिरा है यहाँ पे। तो मतलब न सांसद न विधायक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता? कुछ नहीं, यहाँ पे मटियारी एकदम मझवा ब्लॉक का 40 कोई प्रतिनिधि ही आया हो उन लोगों का? कोई नहीं आया है। फर्जीवाड़ा बस चल रहा है उन लोग का, बस क्या करें, फर्जीवाड़ा चल रहा है सब कुछ। सब फर्जीवाड़ा है यहाँ, कोई वही काम ही नहीं होता है। एक सवाल है आपसे जी, बताइए स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ से कितनी, मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह है वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, कछुआ बाजार हम लोग का पड़ता है। 40 किलोमीटर जाना पड़ता है जी। आसपास कुछ नहीं? कुछ नहीं है। तो किसी की तबीयत खराब हो जाए तो प्राइवेट में अपना जाकर इलाज करवाएं, और जिसको पैसा ना वो मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ी से पहुंचे नहीं पाएंगे ना, रोड खराब है। रोड यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि 40 किलोमीटर जाएगा कौन? अगर शादी होती है तो गाड़ी वहाँ 2 किलोमीटर दूल्हा पैदल आता है। अच्छा, 2 किलोमीटर पैदल आता है? हाँ, मरहाजगंज से मोटरसाइकिल से दूल्हा द्वारा लगने के लिए आता है। यही विकास हुआ है 10 साल में। बारिश हो जाए तो रोड पर फिर साइकिल से भी हम नहीं चल सकते हैं, चलने में मतलब जल्दी कोई यहाँ शादी भी न करे। और हम लोगों का यही है कि हम लोग अपने गाँव से अगर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, किसी को भी वोटिंग नहीं करेंगे, किसी को वोटिंग नहीं करेंगे, किसी को वोटिंग नहीं करने देंगे। ये जो पोल है हमारा, यहाँ पे एक वोट नहीं पड़ेगा। हमारे गांव का सबका सहमति यही है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। अभी भदोही सांसद रमेश बिंद जी भी मैदान में हैं। हाँ। उनके लिए क्या? वो तो है, वो 3 बार यहाँ विधायक रहे थे, यहाँ से फिर चले गए, वहाँ पे बीजेपी में चले गए, फिर सपा में आ गए। ये नेता किसी के होते थोड़ी है, उनको टिकट चाहिए जितना होता है। हम लोग चुतिया हैं, बस वोटिंग करके जिताएं, वो अपना देखेंगे, टिकट ले अपना जेब भरे, बस अपना जेब भर रहे हैं सब, सब भरे करें। स्थिति क्या चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक किस मामले में ठीक ठाक चल रही है? यहाँ विकास कुछ हुआ नहीं, हम लोग यही तकलीफ है। फिर कहे कि ठीक ठाक आप कह रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, विकास नहीं हुआ कुछ यहाँ ना, 10 साल हो गया। और प्रभावती यादव थी कि रोड को रंग दिया था, एक बार रंग दिया। कौन थी प्रभावती यादव? प्रभावती यादव थी, वो जिला पंचायत। अच्छा, जिला पंचायत। हाँ, जिला पंचायत सदस्य रहे, तो उसको रंग दिया था। उसके बाद ये रोड नहीं बनी? हाँ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, न कोई आया, कोई नेता नहीं आया। 40 किलोमीटर दूर ब्लॉक बा, न यहाँ कोई है, सोसाइटी है, न कोई है, कुछ भी नहीं है। खाद नहीं मिल पाती? ना, खाद यहाँ हम लोग जाते हैं महदेवपुर लेते हैं, दूसरे जिला में जाते हैं भदोही में लेते हैं, वहाँ कभी नहीं मिलता है। अरे वो भी कहते हैं कि भदोही मिल जाता है, कहीं बाहर मिल गया, वो पैसों के मिल जाता है। यहाँ अपने यहाँ जा साइकिल से वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी खत्म हो गया, और 40 किलोमीटर फिर वापस आओ। हम साइकिल से जाते हैं, बड़ी मेहनत पड़ती होगी भाई? मेहनत पर बैठ था, क्या करें हम लोग को गाजीबा किसान है, क्या करेंगे। हम लोग गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ। हाँ, पक्का जीता देंगे? पक्का, गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ हैं? पक्का? पक्का। फिरेंगे नहीं? नहीं, जब वोट पड़ेगा तब, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। क्या लग रहा है कि इस बार गांव के लोग कहाँ जाने वाले हैं मटियारी के लिए? इस बार गांव के लोग, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर पर गंगा जी का तट है, सब गांव के आदमी वहीं जाएंगे। वहाँ किसे? वहाँ जाएंगे अपना आत्मसमर्पण करने के लिए, माने एकदम से उब गए हैं मर जाने के लिए। ये नाराजगी किससे? ये नाराजगी यहाँ रोड से है, यहाँ के सांसद विधायक से है, आप लोगों से है कि आप लोग 15 दिन के लिए क्यों आते हैं? जब चुनाव हो रहा है, नजदीक चुनाव है, तब आप आए हैं, और उसके बाद में 12-15-60 महीना होता है, तो 60 महीना के बीच में आप 59 महीना कहाँ थे? चलिए, हम कहते हैं हम बार बार आएंगे, लेकिन नेताओं से क्या सवाल? अरे भाई, आप बार बार आएंगे तो आपके आने से हो जाएगा? वही कहना चाह रहे हैं ना कि नेता क्यों नहीं करते उनको, तो नेता क्यों नहीं करते? अब हम कैसे कहें? हम तो लंगड़ आदमी है ना, 4 लाठी पीटते नेता को। सुधर जाते क्योंकि अब क्यों आए हो? ये देखिए जनता का आक्रोश, 15 दिन जब रह गया इलेक्शन, तब आप क्यों आए हैं? और 59 महीना क्यों नहीं आए? काम करना चाहिए था, करके देखना चाहिए था समस्याओं। अरे भाई, यहाँ खाद और बीज के लिए हम लोगों को भदोही जिला में जाना पड़ता है, वही प्राइवेट में खरीदना पड़ता है, और खरीद कर ले जाते हैं, डालते हैं। यहाँ से मझवा ब्लॉक हमारा है 24-25-30 किलोमीटर दूर है,
आप रोड देख ही रहे हो कि यदि कोई गर्भवती महिला रहे तो उसका रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाती, कई महिलाएं मर गई। सोचिए तब जब यहां से सांसद खुद महिला है, हाँ सांसद महिला है तो उसके बाद नहीं जान पाएंगे। अरे भाई तो क्या जान पाएंगी, वो तो जो है कि एसी में टहल रही है, उन्हें कड़क इस कड़क धूप की उन्हें क्या मालूम है कि कड़क धूप कैसा होता है। कड़क धूप तो जो गरीब महिला है वो जानेगी ना, जिसके पास रास्ता नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कोई साधन नहीं है जाने के लिए, एक यही हमारे गांव का रास्ता है, आप चल के देखिए, जैसे एमपी का इससे अच्छा एमपी का पहाड़ है, तो इस गांव के आदमी क्या करेंगे जी करके, इसलिए चले यहाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गंगा में मर जाए सब, इससे अच्छा यही होगा, और सांसद विधायक को भी लेकर के मर जाए। अच्छा उनको साथ में लेकर डूबे, अरे भाई जब आए तब लेकर के डूब जाए सब, हो 15 दिन के लिए काहे आ रहे हो भाई, 59 महीना आप लोग नहीं आए, अब काहे बदे आ रहे हो, इसीलिए कि बस चिलम चट्टू, यहाँ यहाँ के जनता सब चिलम चट्टू है, माने चिलम थमा दो गांजा पी के बस मस्त हो जाए, उसी प्रकार से ये है कि जैसे 15 दिन बजे आश्वासन दे दिए और आप लोग वोट लेकर के जाइए, फिर अपना आराम करिए, और 59 महीना फिर यहाँ हमारे लोग माला जपे हमारे गाँव के लोग, तो बताइए आप ही बताइए, आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें, वोट किसको दे आप ही बताइए कि हम इन्हीं को वोट दे दे, हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, मुख्य बात तो यह है। कुछ लोग ऐसे हैं चिलम चट्टू जो 1000-2500 पा जाएंगे तो जो है कि चोरी से कह देंगे चलो वोट दे दे वोट दे दे, लेकिन वोट कहां से देंगे, वो जब देने आएंगे ना तो उनको भी पिटाई होगी, चिलम चट्टू है, जैसे 2-4 चिलम चट्टू यहां भी है, 1000-2000 पा जाएंगे ना तो कहेंगे चलो वोट देंगे, हम तो चिलम चट्टू से परेशान हैं, और बताइए क्या बताएं हम अब इससे। ये जनता का आक्रोश है, ये नेता 5 साल आते नहीं है, केवल चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, खासकर किसी भी जनपद में, खासकर ये मिर्जापुर जनपद की अगर हम बात करें तो इसके जो बाहरी इलाके हैं जो दूसरे जनपदों से सटे हुए छोर हैं वहां पर विकास लगभग लोगों का कहना है कि न के बराबर है, न कोई नेता हाल जानने आता है, न समस्याओं का समाधान होता है, कहीं ना कहीं इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।